मीरा, बहुत जाना पहचाना सा नाम है आपके लिए मीरा का। पहले भी पढ़ चुके होंगे आप मीरा। भक्ति काल की सगुण धारा में कृष्णाश्रय शाखा की कवयित्री मीरा, और हम तो बहुत अच्छे से इनको जानते हैं और पहचानते हैं क्योंकि राजस्थान में रह रहे हैं, और मीरा राजस्थान की जो मेड़ता नगर है वहाँ की रहने वाली थी। और इनकी भाषा में मतलब मूल रूप से राजस्थानी भाषा है जिसमें ब्रज भाषा के और गुजराती भाषा के शब्द मिलते हैं, इसलिए मीरा की लिखी हुई जो कविताएं हैं वो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाती है। और ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो चीज़ समझ में आ जाती है वो चीज़ पसंद भी आती है। बेटा मीरा के बारे में यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी जो मैंने पुराने वीडियो बनाया है, और आई बटन में भी आपको वो वाला लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मीरा का पूरा जीवन परिचय और मीरा की भक्ति भावना पर मैंने पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, पूरी मीरा की कहानी मैंने आपको बताई है, आप उस वीडियो को वहाँ से देख लें। आज हम इस पर समय खराब नहीं करेंगे। मीरा की काव्यगत विशेषताओं के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ पुरानी वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आज चूंकि हम कविता पढ़ने जा रहे हैं तो उनकी काव्यगत विशेषता को संक्षिप्त में आपके सामने बता देती हूँ। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि मीरा एक भक्त कवयित्री हैं, मीरा कवयित्री नहीं है, मूल रूप से मीरा क्या है, एक भक्त है। और उनकी जो भक्ति है वो कैसी है, सगुण भक्ति है। और सगुण में भी हमने दो धाराएं देखी थी, एक रामाश्रय और एक कृष्णाश्रय। जो मीरा है वो कृष्ण की भक्त है, क्लियर, ये दो चीज बात समझ में आ गई आपको, सगुण धारा और कृष्णाश्रय शाखा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि मीरा कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, उनकी जो भक्ति है वो एक निष्ठ भक्ति है, पूर्ण समर्पित। एक निष्ठ का मतलब क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, टोटल ही वो किस पर समर्पित है, कृष्ण के प्रति ही समर्पित है। तो उनकी भक्ति की जो एक खास विशेषता हमको देखने को मिल रही है वो है उनकी एक निष्ठता, और दूसरी बात समर्पणशीलता, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपना मान सम्मान धन परिवार, राजसी परिवार से थी मीरा, लेकिन उन्होंने सब कुछ कृष्ण के ऊपर अर्पित कर दिया है। कृष्ण की भक्ति में उनको जो सुख मिलता है वो उनको भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं मिलता है। और एक जो खास विशेषता है मीरा की भक्ति की वो ये है कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। कैसी भक्ति है, माधुर्य भाव की, इसको हम कांत भाव भी कह सकते हैं। कांत का मतलब होता है स्वामी पति, यानी कि मीरा कृष्ण को क्या कहती है, अपना पति कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि कृष्ण को वो अपना स्वामी मानती है, अपना पति मानती है। इसलिए जो मीरा की भक्ति है वो कांत भाव की भक्ति मानी जाती है, मधुरा भाव की भक्ति मानी जाती है, माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, हमें मीरा की भक्ति में विनय भावना और समर्पण तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मीरा के जितने भी हम पद पढ़ेंगे उन पद में प्रकृति का चित्रण भी है, लेकिन प्रकृति का चित्रण उन्होंने केवल अपने भावों के आलंबन के रूप में ही किया है, यानी कि अपने भावों को उद्दीप्त करने के लिए किया है, अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया, जैसे अपनी विरह व्यथा को बताने के लिए उन्होंने चातक का सहारा ले लिया है, ठीक है। इसे अब उनकी भाषा की बात करें हम तो मीरा, मैंने आपसे कहा मीरा कोई कवित्री तो थी नहीं जो कला के लिए लिखती थी, वो तो भक्त थी और अपने मन के भावों को सहज भाव से अभिव्यक्त कर देती थी अपनी भाषा में। तो जब हम उनकी भाषा की बात करें तो उनकी भाषा कैसी है, ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है, मूल रूप से उनकी राजस्थानी भाषा है, पर चूंकि मीरा संत थी और जगह जगह संतों के साथ बैठती थी, तो जो संत कहीं कोई गुजरात से आया है, कोई ब्रज से आया है, तो उनकी भाषा के शब्द भी उनकी भाषा में आ गए हैं। मीरा की जो शैली है वो गीति काव्य शैली है, गीति काव्य शैली मतलब मीरा ने जो पद लिखे हैं वो गाए जा सकते हैं, गीति काव्य शैली, उसमें संगीतात्मकता और सरसता गेयता ध्वनात्मकता ये उनकी कविता की खास विशेषताएं हैं। अलंकार बहुत स्वाभाविक रूप से आए हैं, कहीं भी मीरा ने अलंकारों को ठूसा नहीं है, पर उपमा है, रूपक है, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार, तो इस तरीके से रूपक उपमा प्रेक्षा और अनुप्रास अंत अनुप्रास अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। तो मैंने संक्षिप्त में आपको मीरा की काव्यगत विशेषता बताई जिसमें कुछ उनकी भावगत विशेषताएं बताई और कुछ मैंने उनकी कलागत विशेषताओं के बारे में आपको बताया। अब आगे हम जो उनके पद पढ़ेंगे उनमें आपको ये सब चीज देखने को मिल जाएगी, जो भी विशेषता मैंने बताई है वो सब देखने को मिल जाएगी। तो पॉइंट्स मैंने बता दिए, अब उन पॉइंट्स को यदि आपको डिटेल करना है तो उदाहरण, हम ये कविताएं पढ़ रहे हैं इनके आप उदाहरण दे दीजिए, वहां पर आपका निबंधात्मक प्रश्न तैयार
हो जाता है, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा की काव्यगत विशेषताएं बताइए। दो प्रश्न मीरा पर बहुत मुख्य रूप से आते हैं, एक तो मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए और दूसरा मीरा की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। दोनों बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इनके पद पढ़ते हैं अपन, क्योंकि उदाहरण यहीं से जाने हैं। ये जो पद है ये दो तरीके से काम आएंगे हमारे, एक तो इनकी व्याख्या आएगी, ठीक है, और दूसरा ये जितने पद हैं इन्हीं में से हम उदाहरण देंगे जो विशेषताएं अभी हमने पढ़ी है। तो पहला पद इनका, निपट बंकट छब अंट के महारे नैना निपट बंकट छब अटके टेक, यानी कि ये गाया जाता है, भजन है ये। और क्या कह रही है मीरा, पहले तो पढ़ लेते हैं अपन। बंकट छब अटके महारे नैना निपट बंकट छब अटके, पूरी राजस्थानी भाषा के शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। देख्या रूप मदन मोहरी पियत पियुक ना मटके और बारिज भवा अलक मतवारी राग रूप रस अटके और टेढ़ा कट कट मानी कमर टेढ़ा कट और टेढ़े करी मुरली टेढ़ा पाग लर लटके और मीरा प्रभुरे रूप लुभाणी गिरधर नागर नटके। तो देख रहे हैं आप अंत अनुप्रास अलंकार, अटके मटके अंटके लटके नटके, ये क्या है अंत अनुप्रास अलंकार। अभी इसमें मदन मोहन अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बारिज भवा, बारिज माने कमल, भवा माने भंवर, ये जो भौंए हैं रूपक अलंकार, जो उनकी जो भौंए हैं वो कैसी हैं, कमल की जैसी हैं। तो अब अपन देखते हैं, मैं बीच में इनके शब्दार्थ भी बताती जाऊंगी और अंत में भी शब्दार्थ आपको लिखकर डाल दूंगी। काव्यगत विशेषता मैंने बता दी, अंत में काव्यगत विशेषताओं के पॉइंट्स भी लिखकर डाल दूंगी, तो वहां से आप आराम से देख सकते हैं। निपट बंकट छब अटके, देखो जो कृष्ण है, कृष्ण की एक छवि आपने देखी होगी और इसीलिए उनको त्रिभंगी लाल कहा जाता है। उनका त्रिभंगी स्वरूप आपने कृष्ण को कभी खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए देखा है? अरे भाई फोटो में, मैं ये नहीं करी साक्षात में देख लिया है, फोटो में देखा है आपने, तो आपने ये देखा होगा कि जो कृष्ण है वो तीन जगह से टेढ़े दिखाई दे रहे हैं, उनके पैर टेढ़े, फिर उनकी कमर टेढ़ी और फिर उनकी मुरली जो हाथ में है वो टेढ़ी, इसलिए उनको क्या कहते हैं त्रिभंगी, तीन जगह से वो टेढ़े हैं। ये जो उनकी बंकिम छवि है, मीरा कह रही है उनकी ये जो बंकिम छवि है ना, ये मेरी आंखों में अटक गई है, अर्थात मेरी आंखों से उनका ये रूप निकलता ही नहीं है उनकी। अच्छा और एक बात और देखो आप, त्रिभंगी यदि छवि हो और सीधी बोतल में यदि पड़ जाए वो चीज तो वो निकलेगी क्या? तो ऐसे वो त्रिभंगी छवि है जो उनकी बंकिम छवि है, वो बंकिम छवि जो बाकी छवि है, वो बाकी छवि मीरा की आंखों में जाकर बस गई है, अटक गई है, वो वहां से निकल नहीं रही। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मीरा की जो भक्ति है वो एक निष्ठ भक्ति है, यानी कि वो कृष्ण को छोड़कर किसी और की भक्ति करना ही नहीं चाहती। ये देखिए उसका उदाहरण आ गया कि कृष्ण की जो छवि है, बंकिम छवि है, वो उसकी आंखों में अटक कर रह गई है, कोई और छवि उसकी आंखों में आती ही नहीं है। देख्या रूप मदन मोहन री और पियत पियुक ना मटके, और वो कह रही है मैंने, मदन कहते हैं कामदेव, जो प्रेम और सौंदर्य का देवता होता है उसको मदन कहा जाता है, कामदेव कहा जाता है। कहते हैं जो कृष्ण की जो छवि है, कृष्ण का जो सौंदर्य है, वो बिल्कुल कामदेव को भी जीत लेने वाला है। पियत पियूख नाम अटके, और मैं उस रूप सौंदर्य रूपी, पियूख मतलब पीयूष, ये तद्भव शब्द है पियूख, जो पीयूष से बना है, पीयूष का मतलब होता है अमृत। मैं कृष्ण का जो रूप रूपी, जो उनकी जो सुंदरता रूपी जो अमृत है, उस अमृत को मैं अपनी आंखों से निरंतर पीती रहती हूँ, अर्थात उनके सौंदर्य को देखती रहती हूँ। अब देख लिए फिर पियत पियुक, अब ये पियुक पीयूष किसको कहा है, उनके सौंदर्य के अमृत को, रूपक अलंकार। न मटके, मैं उनके रूप को एक तक निहारती रहती हूँ, मेरी आंखें इधर से उधर मटकती नहीं है, झपकती नहीं है। न मटके का मतलब क्या है, हिलती डुलती नहीं है, मैं कृष्ण को एक तक, उनकी सुंदरता को एक तक अपलग निहारती रहती हूँ। बारिज भवा, अब उन्होंने आगे कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है कि बारिज, बारी मतलब पानी, जय माने उत्पन्न होना, पानी से उत्पन्न कौन, कमल। बारिश का मतलब क्या होता है, कमल। बारिज भवा, उनकी जो भवें है ना, भवें वो बारिश की मतलब कमल की पत्तियों की तरह, आपने देखा होगा जो भवें होती है वो थोड़ी ऐसी तिरछी होती है और कमल की पत्तियों की आकार भी ऐसा ही होता है, तो वो कह रहे हैं बारिज भवा, उनकी जो भवें हैं वो भवें बिल्कुल कमल की पत्तियों की तरह हैं। और अलग मानी
बाल और अलग मतवारी, और उनके जो बाल है ना वो भी बहुत मतवाले हैं, मन को उन्मत्त कर देने वाले हैं, मन को आनंद देने वाले हैं। मतवाले का मतलब क्या है? मेरे मन को उन्मत्त कर देने वाले, मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। और राग रूप रस अटके, और जो मेरे आँख हैं वो उनके इस प्रेम में, इनके रूप में और उस आनंद में अटक के रह गए हैं। मतलब वो बहुतायत से उनके अंदर रूप और रंग और रस भरा हुआ है और वहीं पर मेरे नैन अटके हुए हैं। टेढ़ा कट, उनकी जो कटी है, कमर है वो कैसी है? टेढ़ी है। मतलब यहाँ पर जो मीरा है वो कृष्ण की, जब वो बंशी वादन करते हैं, जब वो बांसुरी वादन करते हैं, उस समय कृष्ण की जो त्रिभंगी छवि है, जो स्वरूप है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि टेढ़ा कट, उसकी कमर कैसी है? टेढ़ी है। उस समय उन्होंने अपनी कमर को टेढ़ा कर रखा, और टेढ़े कर मुरली, और उनके जो बाहें हैं, बाहें भी कैसी है? टेढ़ी है, और उसमें टेढ़ी ही मुरली लगी हुई है। और टेढ़ा पाग, उन्होंने गर्दन भी टेढ़ी कर रखी है, और जब गर्दन टेढ़ी कर रखी है तो सिर टेढ़ा हो गया, और सिर के ऊपर उन्होंने क्या लगा रखी है? पाग लगा रखी है, पगड़ी लगा रखी है, तो वो पगड़ी टेढ़ी हो गई है। और उस पगड़ी में क्या लटक रहे हैं? मोती लटक रहे हैं, तो जो मोती की लड़ है वो भी टेढ़ी होकर लटक रही है। तो टेढ़ा कट टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ा पाग लर लटके, लर लटके समझ गए, मोतियों की लड़ लटकी हुई है। मीरा प्रभु रे रूप लुवानी, मीरा कह रही है मैं तो प्रभु के इस बाकी स्वरूप को, इस बंकिम स्वरूप को, इस त्रिभंगी स्वरूप को देखकर इन पर आकर मोहित हो गई। लुवानी मतलब मुझे लोभ हो रहा है कि मैं बार बार उसको देखती रहूं, आकर्षित हो गई हूं, मोहित हो गई हूं। गिरधर नागर नटके, कौन से रूप के? ये जो मेरे गिरधर हैं, कृष्ण क्या है? गिरधर, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो मेरे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले जो मेरे कृष्ण हैं, वो बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही नटखट हैं। उनके रूप पर मैं आसक्त हो गई हूं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब यदि आपसे इसका काव्य का सौंदर्य पूछा जाए तो भावगत विशेषता क्या आई कि मीरा ने यहाँ पर कृष्ण की जो बंकिम छवि, बाकी छवि है, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया कि वह उस रूप सौंदर्य पे मोहित हो गई है। एक निष्ठ भक्ति आगे ना आंखों में अटकी हुई है, एक निष्ठ भक्ति क्लियर आए, और समर्पण आ गया कि मैं तो पूरी तरीके से इनके ऊपर समर्पित हो गई। जो जो मैंने विशेषता बताई है वो सब आई थी कि नहीं आई है इसमें? भाषा राजस्थानी भाषा है, भाषा राजस्थानी भाषा, तद्भव शब्द है, ब्रज और गुजराती के भी कहीं कहीं शब्द हमको देखने को मिल रहे हैं। अलंकार आप भी देख ही रहे हैं, रूपक अलंकार, अंत अनुप्रास अलंकार, और ये क्या है? गीतिका, वह से गाया जा सकता है। क्लियर बेटा? आगे चलो, आगे वो क्या कह रहे हैं? माई माँ गोविंद गुण गास्या, देख लो अनुप्रास अलंकार, माई माँ, माई मैं तो, गोविंद गुण गास्या, ग ग ग अनुप्रास अलंकार, माई माँ गोविंद गुण गास्या, और चरणा वृत्रो नेम सकारे, निट उस दर्शन जास्या, हरि मंदिर मा निरत करावा, भूंगरिया धमकास्या, और श्याम नाम रो झाज जलास्या, भो सागर तर जास्या, और यो संसार बीड़ रो काटो, गेल प्रीतम अटकास्या, और मीरा रे प्रभु गिरधर नागर गुण गावा सुख पास्या। है राजस्थानी भाषा, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा है। और अत्यंत अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है, गास्या जास्या, है ना, इसे ध्वनात्मकता भी कहते हैं, ये गेयता है, ये संगीतात्मकता है, क्योंकि मीरा की जो कविता है वो गीति काव्य शैली में लिखी गई है। क्लियर बेटा? समझ में आ गई? अब देखें इसका भाव, देखते हैं वो क्या कह रही है। मीरा अपनी माँ को संबोधित करती हुई कह रही है, जो भी बड़े लोग होते हैं उनको अपन माँ स्वरूप देखते हैं, तो माई माँ गोविंद गुण गास्या, हे माँ मैं तो गोविंद के ही गुण गाऊंगी, गोविंद के गुण गाऊंगी, अर्थात मैं तो केवल कृष्ण की ही भक्ति करूंगी, उन्हीं का ही नाम लूंगी। गुण गाने का मतलब क्या है? मैं उनका नाम का स्मरण करती रहूंगी। बेटा जब हम ईश्वर को ध्याते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस ईश्वर के नाम को बार बार ध्याते रहते हैं। कहते हैं यह नाम स्मरण ही हमको, हमारे चित्त को एकत्र करता है और भक्ति में समर्पित कर देता है। तो वो कह रही है कि माई माँ गोविंद गुण गास्या, आपने देखा होगा ना बहुत से लोग राम 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 लिखते रहते हैं, बहुत से लोग हरे कृष्णा हरे रामा ओम नमः वासुदेवाय ऐसे करके बोलते रहते हैं, यानी ये सब क्या है?
अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण करना। तो वो कह रहे हैं हम तो गोविंद के गुण गाएंगे अर्थात गोविंद का नाम ही बसते रहेंगे। कौन कह रही है? मीरा कह रही है। और फिर वो आगे अपना पूरे दिन का जो उसका गतिविधि है वो बता रही है। क्या करूंगी मैं? चरणा विद्रोह नियम सकारे, और सकारे मतलब प्रातःकाल, मैंने नियम ले रखा है कि मैं सुबह ही सुबह, सकारे मतलब प्रातःकाल, ये मैंने नियम ले रखा है कि सुबह होते होते सबसे पहले मैं गोविंद के चरणों को धोकर, जो जल होता है वो चरणों का अमृत होता है, वो चरणामृत में पीती हूँ। तो चरणामृत रो नियम सकारे, सुबह सुबह मेरा एक नियम है कि मैं अपने गोविंद के पैरों का प्रक्षालन करती हूँ, धोती हूँ उनके चरणों को, और फिर उस जल का ही आचमन करती हूँ, वो मेरे लिए अमृत के समान है। और नित उर्त दर्शन जास्या, और मेरा ये भी नियम है कि मैं सुबह उठते ही उठते सबसे पहले कहाँ जाऊंगी? कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। हरि मंदिर माँ निरत करावा और घूंगर या धमकास्या, इसका मतलब क्या है? मैं हरि के मंदिर में जाके करूंगी क्या? नृत्य करूंगी। क्या करूंगी? नृत्य करूंगी और घुंघरू बजाऊंगी, है ना? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, है ना पर सुनाया नहीं सुना है? तो जो मीरा थी वो क्या करती थी? भजन गाते गाते इतनी लीन हो जाती थी भगवान की भक्ति में कि नाचती रहती थी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर। तो वह कह रही है हरि मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाकर मैं क्या करूंगी? नृत्य करावा, नृत्य करूंगी और क्या करूंगी? घुंघरिया घमकास्या मतलब घुंघरू बजाऊंगी, अर्थात अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मैं भगवान की भक्ति करते करते नृत्य करूंगी। बेटा नृत्य करने का मतलब एक और भी है, अपने जीवन में जीवन के जो भी काम है उन कामों को करना, सांसारिक कामों को छोड़कर ईश्वर की जो भक्ति है उसमें नृत्य करने का मतलब होता है गतिशील रहना। तो मैं भगवान की भक्ति ही करती रहूंगी। श्याम नाम रो झाज चलास्या, झाज जहाज को बोला है, जहाज का मतलब क्या है यहाँ पे? जहाज, बोट, शिप। वो कह रहे हैं हम राम नाम का जहाज चलाएंगे और भव सागर तर जैसे, और इस भव सागर को, इस दुनिया रूपी सागर को मैं तर जाऊंगी। अब देखिए यहाँ रूपक अलंकार कितना प्यारा रूपक अलंकार है कि राम श्याम नाम का मतलब कृष्ण के नाम का मैं क्या जलाऊंगी? जहाज जलाऊंगी। भाई अपन को जब कोई नदी पार करनी है, कोई सागर पार करना है, तो हमको कोई जहाज चाहिए। जहाज में बैठ के हम किसी समुद्र को या किसी नदी को पार कर सकते हैं। इसी तरीके से दुनिया को क्या बताया गया है? भव सागर। इस दुनिया को भी एक समुद्र बताया है। अब इस समुद्र जो रूपी जो दुनिया है इसमें यदि मुझे अपना उद्धार करना है, इस दुनिया से मुझे पार लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा? राम का नाम लेना पड़ेगा। तो राम का नाम क्या बन जाएगा मेरे लिए? जहाज बन जाएगा, रूपक अलंकार, है ना? भव सागर दुनिया रूपी समुद्र, और राम श्याम नाम रो जहाज मतलब रूपक अलंकार, मैं कृष्ण के नाम के जहाज को चलाऊंगी और भव सागर प्राप्त कर पार कर जाऊंगी, अर्थात कृष्ण की भक्ति से ही मैं भव सागर को पार करूंगी, अर्थात मेरा उद्धार होगा। जो संसार बीड़ रो काटो, और ये जो संसार है ना ये क्या है? अरे बाप रे, ये तो यहाँ तो कांटे 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 हैं, क्योंकि संसार में सांसारिक दुख है बहुत सारे। आपने देखा होगा कि बताएं दैविक, दैहिक, है ना, और भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख हैं दुनिया में। हमको देह से दुख होता है, हमको दैविक दुख होता है, और हमको भौतिक दुख होता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मोटर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, ये भौतिक दुख है। तो वो कह रहे हैं कि ये संसार है ना, ये बीड़ रो काटो मतलब बहुत घना जंगल है, कांटों से भरा हुआ जंगल है। दुनिया क्या है? कांटों से भरा हुआ जंगल है। दुनिया को कांटों से भरा हुआ जंगल क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर मुश्किल है बहुत है, बाधाएं बहुत है, परेशानियां बहुत है, दुख बहुत है। और गैल प्रीतम अटकास्या, और प्रीतम ने मुझे इस दुनिया में फंसा दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करके इस दुनिया से निकल जाना चाहती हूँ। गैल मानी रास्ता, मैं रास्ते भटक गई हूँ इस दुनिया में, मैं क्या भटक गई हूँ? रास्तों पर अटक गई हूँ, भटक गई हूँ, पर भगवान का जो नाम है वो मुझे इस संसार से पार लगा देगा। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर गुण गावा सुख पास्या, मीरा कह रही है कि मैं तो अपने गिरधर नागर के गुण गाऊंगी, उसी का नाम का भजन करूंगी, और उसके नाम का भजन करूंगी, उसके नाम के गुण गाऊंगी, सुख पास्या। तो जो संसार दुखों का घर है, कांटों का जंगल है, वहां पर भी मैं क्या पाऊंगी? सुख पाऊंगी। क्लियर समझ आ रहा है आपको? बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है। राणा जी थे जहर दियो मैं जानी। अब ये पहली लाइन ही आपको कुछ बता रही है, और ऐसी कहानियां आपने सुनी है। आपने सुनी है कि मीरता तो जो अपनी मीरा है ये तो राजसी परिवार से थी, और इनका विवाह
भोजराज से हुआ था, लेकिन बहुत ही कम उम्र में इनके पति का देहांत हो गया था। तो पहले जो राज परिवार की औरतें होती थी वो पर्दे में और महलों में ही रहा करती थी, लेकिन वो तो उनके लौकिक पति थे भोजराज। उन्होंने अपना अलौकिक पति किसको बना लिया? कृष्ण को बना लिया। तो मीरा ने राजमहल छोड़ दिए और मंदिरों में नाच रही होगी ना, हरि मंदिर में नृत्य करावा, मंदिरों में नाच रही है, तो ये वाली बात राजाओं को कैसे सहन होती? राजमहल में तो ये चीजें स्वीकार नहीं थी। राजमहल में तो जो रानियां होती थी वो पर्दों में रहती थी, विधवा हो गई तो और भी ज्यादा बंधन होते थे उनके ऊपर, पर मीरा ने सारे बंधन तोड़ दिए थे। तो जो उनके देवर थे राणा जी, वो उनसे बहुत नाराज थे और उनको ये लगता था कि मीरा हमारे राजकुल की लाज को सड़कों पे ले आई है और ये हमारे लिए बहुत ही बेइज्जती का काम है। तो पहले तो राणा जी ने मीरा को बहुत समझाया कि मीरा तुम राजमहलों में रहो, तुम्हें सब सुख मिलेंगे यहाँ पर, तुम इस तरीके से राजमहलों से मत बाहर मत जाओ, क्योंकि ये अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। लेकिन जब मीरा नहीं मानी तो राणा जी ने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, और जब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तो उन्होंने क्या सोचा कि इससे अच्छा तो मीरा मर जाए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि देखो राज परिवार की औरत किस तरीके से सड़कों पर मंदिरों में नाच रही है। तो राणा जी ने क्या किया, राणा जी ते जहर दियो मैं जानी, राणा जी तुमने मुझे जहर दिया और मैं इसको समझ गए कि ये जहर है, लेकिन मुझे कोई भी कष्ट नहीं हुआ। देखो यहाँ पे जहर एक का मतलब और भी है, जहर देने का मतलब ये है कि राणा जी ने तरह तरीके के उनको कष्ट दिए, है ना। राणा जी थे जहर दियो मैं जानी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत वारा वाणी, लेकिन तुमने मुझे जहर दिया, मैं समझ भी गई कि तुमने मुझे जहर दिया है, पर मुझे इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैं जानती हूं कि जब सोने को आग में तपाया जाता है तभी वो कंचन बनता है, तभी वो शुद्ध होता है। तो तुमने भी मेरी परीक्षा ली और मैं उस परीक्षा में खरी उतर गई, मैं उस परीक्षा में पास हो गई, मैं पूरी पूरी स्वच्छ और साफ उस परीक्षा में से बाहर निकल के आ गई। क्योंकि हम सब जानते हैं कि राणा जी ने जब जहर का प्याला भेजा तो कहते हैं मीरा ने उसको पी लिया और वो स्वस्थ की स्वस्थ रही, यानी कि वो जहर भी क्या बन गया, अमृत बन गया। तो जैसे कंचन, देखो अब जैसे उदाहरण दे दिया उन्होंने, दृष्टांत दे दिया, दृष्टांत अलंकार, लोक लाज कुल कान जगत की दई बहा है जैसे पानी। राणा जी मैं मानती हूँ आपकी बात को कि मैंने लोक लाज को और कुल की कान, कान मतलब मर्यादा, मैंने इस कुल की मर्यादा को और लोक लाज को, जो दुनिया में जो लोक लाज होता है कि औरतों को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे पर्दे में रहना चाहिए, ऐसे घूमना नहीं चाहिए, ये सारी मर्यादा को मैंने पानी की तरह बहा दिया। उपमा अलंकार देखो, दई बहाए जस पानी, बहा दिया कैसे, जैसे पानी। उपमा अलंकार आ गया आपका, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बरणी। और राणा जी तुम अपने घर का पर्दा कर लो, तुम अपनी इज्जत बचाओ, मुझे तो तुम त्याग ही दो, छोड़ ही दो, मैं अब राजकुल की नहीं रह गई हूँ, मैं एक अबला हूँ, मैं तुम्हारे इन जो तुम मेरे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हो उसका सामना भी मैं नहीं कर सकती, मैं तो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हूँ, मैं अबला हूँ, मेरे अंदर कोई शारीरिक ताकत नहीं है और ना मेरे पास कोई राजसिक ताकत है, ना मेरे पास कोई पैसे की ताकत है, मैं तो अबला हूँ और मैं कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हूँ। राणा जी तुम अपने परिवार की जो कुल मर्यादा है, जो इज्जत है, उसकी रक्षा कर लो, तुम मुझे अपने कुल का मानो ही मत। तर्क से तीर लगियो मेरे हियरे, गरक गयो सनकाणी। और मीरा कह रही है कि मेरे हियरे मतलब मेरे हृदय में क्या लग गया है, तर्कस का तीर लग गया है। जैसे तर्कस में बहुत सारे बाण होते हैं ना, और बाण जब धनुष से चलाते हैं तो जाके निशाने पे जाकर लग जाते हैं, वो कहते हैं कृष्ण का प्रेम रूपी जो बाण है वो मेरे हृदय में आकर लग गया है। गरक गयो सनकाणी, और गहराई तक लग गया है। तुम सोचो कि मैं उस बाण को निकाल के फेंक दूंगी, निकाल के फेंक दूंगी तब भी वो प्रेम तो मेरे दिल में बना ही रहेगा, क्योंकि जो प्रेम रूपी जो बाण है वो मेरे हृदय में गहराई तक, गरक गयो मतलब नीचे तक, गंभीरता से गहराई तक चला गया है सनकाणी, और उस प्रेम में मैं क्या हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। इसलिए मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आते, मुझे ये मर्यादा और ये जगत की लोक लाज ये सब चीजें समझ में नहीं आती। सब संतन पर तन मन वारो, चरण कमल लपटाणी।
और मैंने अपना तन मन किस पे वार दिया है, संतों पे वार दिया है, मैं संतों के साथ रहती हूँ क्योंकि संतों ने मुझे ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया है, इसलिए मैं संतों का बहुत आदर, तन मन मानने का मतलब क्या है, मैं संतों के प्रति समर्पित हूँ, मैं संतों का बहुत मान सम्मान और आदर करती हूँ। चरण कमल लपटानी, और उनके चरण कमल, देखो रूपक अलंकार आ गया, और उनके जो चरण है वो कमल जैसे कोमल, जो उनके चरण है मैं उन्हीं में ही लिपटी रहती हूँ, अर्थात मैं उनकी चरण वंदना करती रहती हूँ। मीरा के प्रभु राख लई है दासी आपने जानी, मीरा निवेदन कर रही है। अभी देखो हमने जब विशेषता पढ़ी थी तो हमने देखा था कि मीरा की भक्ति में निवेदन और विनय की भावना हमको देखने को मिलेगी, तो मीरा निवेदन कर रही है, हे प्रभु अपनी दासी समझकर मुझे आप अपने चरणों में स्थान दे दो, अर्थात मुझे स्वीकार कर लो। क्लियर बेटा, चले आगे, काव्य का विशेषता बार बार बताने की तो आवश्यकता है नहीं है। आगे देखो, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, मीरा क्या हो गई है, हरि के गुण गा के मगन हो गई है, लीन हो गई है, कृष्ण के ऊपर आसक्त हो गई है, कृष्ण के गीत गाते गाते मीरा मगन हो गई है। अनुप्रास अलंकार तो आप देख ही रहे हो, जगह जगह मिल रहा है। और सांप पिटारा राणा भेजो मीरा हाथ दियो जाए, और न्याय धोए जब देखने लागे सालग राम गए पाए, और जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दीन बनाए, और नहाए धोए जब पीवन लागी हो अमर अचाय, और सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाए, और सांझ वही मीरा सोवन लागी मानो फूल बिछाए, और मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे विघट हटाए, और भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाए। देखो बेटा, इस पूरे के पूरे भजन में पद में हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो ईश्वर का हो जाता है ना, जो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है ना, दुनिया का कोई कष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं ना, बाल ना बांका हो, यदि भगवान आपके साथ है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और यही मीरा के साथ हुआ है। मीरा कह रही है, मीरा मगन वही हरि के गुण गाए, मीरा तो कृष्ण के गुण गा रही है और मगन हो गई है, इसलिए मीरा पर कोई भी अत्याचार, कोई भी आफत आ रही है, कोई भी मुश्किल आ रही है, वो मुश्किल उसको महसूस ही नहीं होती, भगवान सारी उसकी मुश्किलों को दूर कर देते हैं, उसको इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ्य दे देते हैं कि वो उन कष्टों को भी हंसते हंसते सह लेती है। सांप पिटारा राणा भेजा, फिर वही कहानी आ रही है कि राणा जी ने मुझे मारने के लिए एक पिटारा भेजा, उस पिटारे में क्या था, सांप था, जहरीला सांप था, कि जैसे मीरा इसको खोलेगी सांप उसको डस जाएगा और मीरा मर जाएगी और मेरे कुल की मर्यादा बच जाएगी। मीरा हाथ दियो जाए, और मतलब वो जो पिटारा है वो राणा जी ने अपने एक सेवक को दिया कि सेवक तुम जाओ और जाके मीरा के हाथ में ये दे देना, सेवक ने जाके उसको मीरा के हाथ में दे दिया। मीरा ने क्या किया, उस पिटारे को एक तरफ रख दिया कि नहा धोकर देखूंगी इसमें क्या है। मीरा कह रही है, नहाए धोए जब देखने लगी, जब मैंने नहाने धोने के बाद उस पिटारे को खोल कर देखा तो उसमें क्या था, शालिग्राम गई पाए, मैंने तो शालिग्राम की मूर्ति देखी वहां पर, शालिग्राम कृष्ण का ही रूप माना जाता है ना, शालिग्राम देखे ना आपने, तो मैंने शालिग्राम को वहां पाया, और जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दीन बनाए, और नहाए धोए जब पीवन लागी हो अमर अचाय। और इसी तरीके से जब सांप के भेजने से मीरा नहीं मरी तो राणा जी ने हार तो नहीं मानी, राणा जी ने फिर प्रयास किया, राणा जी ने अगली बार क्या किया, जहर का प्याला भेजा कि जाके ये मीरा को पिला देना, और मीरा ने क्या किया कि तुमने उसको भी अमृत बना दिया, भगवान के लिए कह रही है वो, हे भगवान तुमने उसको भी अमृत बना लिया, वो भी मैंने नहा धोने के बाद जब मैंने उसका आचमन किया, अचाय मतलब आचमन किया, जब मैंने उसको पिया तो मैं अमर हो गई, क्योंकि वो जहर नहीं था बल्कि वो क्या था, अमृत था, यानी कि जो भक्तों के दुख और कष्ट होते हैं उनको भगवान ऐसे हर लेते हैं, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो भक्तों को इतना सामर्थ्य दे देते हैं कि बड़े से बड़े कष्ट को भी भक्त हंस कर सह जाते हैं। सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाए, और सांझ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल। अब जब मीरा ब्रहर के पहले से भी नहीं मरी तो राणा जी ने फिर हिम्मत नहीं हारी, और राणा जी ने अब की बार क्या किया कि कांटों की सेज भेजी अपने सेवकों के हाथ में और कहा मीरा को इस पर सुला देना, कांटे छिद जाएंगे और मीरा मर जाएगी। वो कहती है, सांझ भई जैसे शाम हुई और जब मैं उस पर सोने लगी तो वो तो कांटों की सेज नहीं थी, वो तो क्या बन गई थी, वो तो फूलों की सेज बन गई थी। रूपक अलंकार आप देख रहे हैं जगह जगह, मीरा के प्रभु सदा सहाय, मीरा कह रही है हे प्रभु तुम तो हमेशा मेरा सहारा बनकर रहे हो, मेरे दुखों को हरने वाले हो, राखे विघ्न हटाए, तुमने मेरे सारे विघ्न हटा दिए, सारी मुश्किलें हटा दी, सारी बाधाएं हटा दी, भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बले
जाए। और जो मीरा है वो कह रही है मुझे इन संकटों और इन दुखों की कोई चिंता नहीं है, मैं तो भजन में मस्त होकर इधर उधर डोलती रहती हूँ और कृष्ण पर क्या हो रही हूँ, बार बार बलिहारी हो रही हूँ, अर्थात अपने आप को समर्पित करती हुई और भजन गाती हुई इधर उधर घूम रही हूँ मस्ती से। ये दुख और ये कष्ट, संसार के जो दुख कष्ट है, वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। क्लियर? आगे चले। जोगी अजी निषिद्ध ने जो बाट, पावन चाले पंथ दुहेलो आड़ा ओघट घाट, और नगर आई जोगी रम गया रे मोह मन प्रीत ना पाई, और मैं भोली भोलापन की न राख्यो नहीं बिलमाई। बेटा यहाँ पर मीरा की विरहानुभूति की मार्मिकता आपको देखने को मिलेगी। मीरा कृष्ण की भक्ति कर रही है और उनके दर्शन की प्यासी है, लेकिन मीरा को कृष्ण की जो छवि है उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं। मीरा गहन विरह में, व्यथा में डूब गई है कि भगवान मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, और वो अपनी इस व्यथा को इन पदों में व्यक्त कर रही है। तो उसकी विरहानुभूति, अभी तक हमने श्रृंगार रस का संयोग पक्ष देखा, अब हम श्रृंगार रस का क्या देख रहे हैं, वियोग पक्ष देख रहे हैं कि जो मीरा है वो किस तरीके से कृष्ण की भक्ति में व्यतीत हो रही है, कृष्ण मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जोगी आजी निश्चित जो बाट, उसने कृष्ण को क्या कह दिया, योगी कह दिया कि हे कृष्ण योगी, मैं तेरी निश दिन जो हूँ बाट, रोज मैं तेरी प्रतीक्षा करती हूँ पर तू मेरे पास नहीं आता। उसने कृष्ण को योगी क्यों कहा, कि जैसे योगी होते हैं वो सांसारिक जीवन को मोह माया को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, उनको अपने परिवार वालों से कोई प्रेम नहीं होता, इसीलिए जो कृष्ण है वो भी मीरा के पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए कृष्ण को भी मीरा ने क्या कह दिया, जोगिया जी निश दिन जो हूँ बाट, हे जोगिया हे कृष्ण योगी, मैं निश दिन तुम्हारी राह देखती हूँ, बाट जो मतलब प्रतीक्षा करती हूँ, पाँव न चाले पंत दयालु, अब मेरे पाँव नहीं चलते क्योंकि मैं तुम्हारी विरह व्यथा में बहुत ही दुर्बल हो गई हूँ, कमजोर हो गई हूँ, मेरे पैरों में वो शक्ति नहीं रही है, अशक्त हो गए हैं, इसलिए मेरे पांव इस रास्ते पे नहीं चल पाते। कौन से रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे नहीं चल पाते, पंत दुहेलो, और भक्ति का रास्ता कोई आसान तो नहीं है। हमने देखा राणा जी ने जहर भेज दिया, कभी सांप भेज दिया, कभी सेज की सूली भेज दी, तो कह रहे पंत दुहेलो, लेकिन ये भक्ति का जो रास्ता वो कैसा है, बहुत ही कठिन है, और मेरे पांव कैसे हैं, दुर्बल हैं, आड़ा ओघट घाट, और ये जो रास्ता है भक्ति का ये कैसा है, आड़ा ओघट घाट, कहीं गहराइयां हैं, कहीं पहाड़ हैं, बड़ा तिरछा और बड़ा ऊबड़ खाबड़ ये रास्ता है जिस पर मैं चल नहीं पा रही हूँ, और मेरे पैर अशक्त हो गए हैं। नगर आए रोगी जम गया रे मोह मन प्रीत ना पाई, और मेरे से एक बार गलती हो गई है बहुत जबरदस्त। क्या गलती हो गई है, कि एक बार मेरे नगर में वो योगी आया था लेकिन मैंने उससे प्रीति नहीं लगाई, यानी भगवान तो मेरे पास ही थे लेकिन उस समय मैंने भगवान से कोई प्रीति नहीं लगाई, मैं भोली भोलापन की, मैं बहुत भोली थी, मैं जानती नहीं थी, मैं उस ईश्वर को पहचान ही नहीं पाई, मैंने बहुत भोलापन किया और राखियो नहीं बिलमाई, और मैंने उस योगी को अपने पास नहीं रखा, अर्थात प्रेम की भक्ति को मैंने अपने पास नहीं रखा। ग्रह जोगिया को जोबत बोहो दिन बीता अजो आयो नहीं, और अब उसके बाद मैं उस योगी की प्रतीक्षा कर रही हूँ, इतने दिन बीत गए हैं लेकिन वो योगी नहीं आ रहा है, अर्थात कृष्ण को दर्शन नहीं दे रहे हैं। विरह उजावड़ अंतरी आगो तपन लगी मन माई, वो कह रहे मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर विरह की अग्नि जल रही है, तपन मतलब अग्नि जल रही है, किसकी, विरह की अग्नि जल रही है, विरह बुझावन मेरे अंदर, मेरे हृदय में जो विरह की अग्नि जल रही है उसको बुझाने के लिए है, हे योगी तुम आओ, काई करूं कित जाऊं री सजनी, नैन घुमाए और रोई, के तो जोगी जग में नाही कैर बिसारी मोई। अब मीरा कह रही है मैं इतना उस योगी को बुला रही हूँ और योगी फिर भी मेरे पास नहीं आ रहा है, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, कि या तो दुनिया में योगी है नहीं, यानी कि दुनिया में कोई भगवान नाम की कोई चीज है नहीं, और या फिर उस योगी ने मुझे बिसरा दिया है, अर्थात मुझे भुला दिया है, और काई करूं कित जमोरी सजनी। कितनी व्यवस्था है यहाँ पर मीरा की भक्ति में, कितनी व्यवस्था है, वो कह रही है अपनी सखी से मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे उस योगी को, कृष्ण को और भगवान को प्राप्त करूं, मेरे क्या हो रहा है, नैन घुमाए और रोई, और मैं आंखों में से मेरे आंसू बहते रहते हैं, और आंखों में से आंसू रो रो के मैंने अपनी आंखों को भी खो दिया है, मुझे आंखों से भी साफ साफ दिखाई नहीं देता है। आरती तेरी अंतर मेरे, हे भगवान मैं अंदर से व्याकुल हूं, अब मैं तुझे
पुकार रही हूँ, आओ अपनी जान, मैं तुम्हारी हूँ, तुम अपना अपना भक्त जानकर, अपनी भक्ति जानकर तुम आओ, मेरा व्याकुल विरहणी रे, तुम बिन तलफत प्राण। मीरा कह रही है कि हे कृष्ण, मैं विरहणी हो गई हूँ क्योंकि तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हो गई हूँ, और मैं तुम्हारे प्रेम में क्या हो रही हूँ, तड़प रही हूँ, मेरे प्राण तड़प रहे हैं, ऐसा ना हो कि तड़प तड़प के मेरे प्राण निकल जाए, इसलिए तुम आ जाओ। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मुख जब हम मूल भाव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मीरा की गहन विरानुभूति के दर्शन हमको यहाँ हो रहे हैं। आगे देखो, आगे भी यही चीज है, हरी बिन कुण गति मेरी, हरी बिन कुण गति मेरी, यानी कि भगवान के बिना मेरी कोई गति नहीं है, मेरा उद्धार कैसे होगा, भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। तो हरी बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, प्रतिपाल मतलब पालक, पालने वाला, ये भगवान तुम ही तो मेरे पालने वाले हो। संसार में माता पिता बच्चों को पालते हैं, शादी हो जाती है तो पति और ससुराल वाले देखभाल करते हैं, पर मेरे प्रतिपाल तो तुम ही हो, मेरे पालक तो तुम ही हो, मैंने तो घरों को घर को त्याग दिया है। मैं रावरी चेरी, रावरी मतलब तुम्हारी, चेरी मतलब दासी, हे भगवान मैं तो तुम्हारी दासी बन गई हूँ, इसलिए मेरा पालन पोषण का जिम्मा किसका है, तुम्हारा है। आदि अंत निज नाम तेरो, हरिया में फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, वो कहती है आदि अंत निज नाम तेरो, चाहे मेरी दिन की शुरुआत होती है, चाहे मेरे दिन का अंत होता है, मेरे जीवन का शुरुआत, मेरा जीवन का अंत एक ही नाम पे खत्म होता है, किस पर, गिरधर गोपाल पर ही खत्म होता है, तेरा ही नाम मैं हमेशा पुकारती रहती हूँ, हरिया में फेरी, और मैं बार बार तेरे ही नाम को फेरती रहती हूँ, बेर बेर पुकारी कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, हे प्रभु मैं बार बार तुझे पुकार रही हूँ, मैं बहुत व्याकुल हूँ, तुम आओ और मुझे दर्शन दो। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, और तुम जानते हो ना कि मैं संसार में रह रही हूँ, और ये संसार तो दुखों का घर है, आपने बहुत दर्शन में भी पढ़ा है, बहुत दर्शन में भी ये कहा गया कि दुनिया क्या है, दुखों का घर, क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं हम तो मोह माया में फंस जाते हैं, और जब मोह माया में फंस जाते हैं तो ये मोह माया हमको नाना प्रकार के दुख और कष्ट देती है। तो यो संसार विकार को सागर, ये जो दुनिया है ये बुराइयों का सागर है, देखो विकार का सागर, रूपक अलंकार, ये बुराइयों का भंडार है, बुराइयों का सागर, यहाँ बुराइयां बुराइयां है, बीच में घेरी, और उन बुराइयों के बीच में मैं घिर गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। नाम फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी, क्या कह रही है वो, कि ये जो दुनिया है वो बुराइयों का सागर है, अब सागर को पार करने के लिए तो नाव होनी चाहिए, पर मेरी नाव फट गई है, अर्थात मेरी नाव टूट गई है। आपने देखा होगा जो नाव होती है उस पर पाल बंधी होती है, ऊपर एक पर्दा सा बंधा होता है ना, एक कपड़ा सा बंधा होता है, वो हवा की दिशा को डिसाइड करता है, तो वो कहते हैं मेरी नाव की जो पाल है वो फट गई है, तुम आओ और मेरी नाव की पाल को बांधो। बूढ़त है, बूढ़त माने डूब रही है, मेरी नाव डूब रही है, तुम आओ और मेरी नाव की पाल को बांधो, अर्थात मुझे सहारा दो और मेरा उद्धार करो। रूपक अलंकार दिख रहा है साफ साफ, बिरहणी पिवकी बाट जोबे राख लियो नेरी, वो कह रही है कि मैं बिरहणी हूं क्योंकि मेरा पिया मेरे पास नहीं है, मेरा पिया कौन है, मेरा पति कौन है, कृष्ण, कृष्ण मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं क्या हो गई हूँ, गृहिणी हो गई हूँ, और पिव की बाट जो रही हूँ, अपने पति की बाट जो रही हूँ, रख लो नेरी, नेरी मतलब अपने पास, तुम मुझे अपने पास ही रख लो। दासी मीरा राम रटता है, मैं शरण हूँ तेरी, मीरा कह रही है मैं हमेशा राम का नाम रटती रहती हूँ। देखो यहाँ मीरा की एक बहुत जबरदस्त विशेषता आपको देखने को मिल रही है, मीरा श्याम कृष्ण की भक्ति करती है लेकिन राम शब्द आया है, और ये किसका प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है, मैं तो हमेशा ईश्वर की भक्ति करती रहती हूँ। क्लियर बेटा, समझ में आया, आगे चला, सखी पे चलते हैं, सखी मारी नींद नसाणी हो, मीरा सखी से कह रही है कि हे सखी मेरी जो नींद है वो नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है, जब विरहणी होती है तो विरहणी को रात को नींद नहीं आती क्योंकि उनको अपने पति की याद आती रहती है, मीरा को भी अपने कृष्ण की याद आ रही है, तो उसकी दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई है, नसाणी मतलब नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है, सखी मारी नींद नसाणी, वो अपने सखी से कह रही है हे सखी मेरी तो नींद नष्ट हो गई है, रातों को मुझे नींद नहीं आती, मुझे कृष्ण की ही याद आती रहती है, पियरो पंत निहारत सब रण बिहानी हूँ, मुझे रातों को नींद क्यों नहीं आती है, क्योंकि मैं तो पूरी पूरी रात क्या करती रहती हूँ, अपने पिए अपने पति अपने कृष्ण का रास्ता देखती रहती हूँ, उनका रास्ता देखते देखते पूरी रात बिता देती हूँ,
रैन बिहाने पूरी रात उनका रास्ता देखते देखते बिता देती हूँ, मेरी आंखों में नींद ही नहीं आती। सखियन सब मिल सीख दया मणे एक ना मानी हो। अब जब मीरा ये कर रही है, पूरी पूरी रात जगती रहती है, पूरे पूरे दिन में कृष्ण की बाट जोती रहती है, तो सखियों ने सबने मिलकर उसको बहुत समझाया कि मीरा इस तरीके से तो तुम प्राण तुम्हारे चले जाएंगे, तुम इस तरीके से अपने शरीर को दुख मत दो। लेकिन मेरे मन ने एक नहीं माना, उनकी किसी सीख को नहीं माना, क्योंकि मेरा मन तो किस में डूबा हुआ है, कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। बिन देखा व्याकुल भया मन रोषणा ठानी, और उनको चूंकि देखने को नहीं मिल रहा, कृष्ण का रूप देखने को नहीं मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि चूंकि मेरे को कृष्ण का रूप देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा मन क्या हो गया है, व्याकुल हो गया है और रोषणा ठानी हो। लेकिन मैंने एक बात का ठानी, मतलब एक बात का संकल्प कर लिया है, ठान लिया है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, आक्रोश नहीं करना है, क्योंकि गलती तो मेरे से हुई है, एक बार तो योगी मेरे पास ही था, मैंने उस समझ को पहचाना ही। अंग क्षीण व्याकुल भया, क्षीण क्षीण तद्भाव शब्द है ये, क्षीण मतलब कमजोर हो जाना, तो वो कह रहे हैं मेरे अंग क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। व्याकुल भया मुख, और मेरा मुंह कैसा हो गया है, व्याकुल हो गया है। क्यों, कि पिए पिए वाणी, मेरे मुंह से क्या निकल रही है, पिए पिए वाणी ही निकल रही है, अर्थात मैं कृष्ण को ही याद कर रही हूँ। अंतर वेदन बिरहरी मारी पीड़ ना जानी हो, और मेरे अंदर की जो वेदना है ना, ये कोई नहीं जान सकता, इसे मैं ही केवल जान पाती हूँ, कोई और इस मेरी पीड़ा को कोई समझ ही नहीं पाता। वो कहता है ना घायल की गति घायल जाने, तो मीरा की जो पीड़ा है वो कोई ऐसा द्रही भक्ति ही जब समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। अभी आप लोगों को हंसी आ रही होगी, क्या कह रही है मीरा, क्योंकि आप लोगों को कभी कृष्ण से इतना प्रेम हुआ नहीं, अपन लोगों को हुआ नहीं है ना, तो इसलिए घायल की गति घायल जाने। जो चातक घड़कोरट मछली जो पानी हो, देखो उपमा अलंकार, वो कह रही है कि मैं हमेशा मैं कैसी पीड़ा सह रही हूँ, अंदर ही अंदर विरह वेदना की पीड़ा सह रही हूँ, और मेरी पीड़ा को केवल कौन समझ सकता है, वो चातक पक्षी समझ सकता है जो बादल की रट लगाए रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब बादल बरसेगा तो स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए पानी से वो अपनी प्यास बुझाएगा, वो जानता है मेरी पीड़ा को, क्योंकि वो भी विरह सह रहा है, और वो मछली मेरी पीड़ा को समझेगी जो पानी के बिना रह गई है, क्योंकि पानी के बिना वो जी नहीं सकती। यानी कि मीरा ये कह रही है कि मेरी स्थिति चातक पक्षी की तरह हो गई है और उस मछली की तरह हो गई है जिसे पानी से बाहर निकाल दिया गया हो, वही मेरी पीड़ा को समझ सकती है। मीरा व्याकुल बिरहणी, मीरा कह रही है मैं व्याकुल बिरहणी हूँ, आतुर बिरहणी हूँ, मैं बहुत ही विरह महसूस कर रही हूँ, व्यथित हूँ, शुद्ध बुद्ध बिसरानी हूँ, और मैं इतनी ज्यादा विरह में व्यथित हूँ कि मैंने अपनी शुद्ध बुद्ध को भी खो दिया है, मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। इसलिए वो बार बार ये कहकर क्या कहना चाहती है मीरा, कि हे कृष्ण तुम मुझे दर्शन दो, तुम मुझे अपनी भक्ति दो, तुम मेरा उद्धार करो, तुम मुझे अपने आप में ही रमा लो। क्लियर, समझ में